अब तो वासुदेव कृष्ण भी पधार चुके हैं, इसलिए यदि मत्स्य नरेश आज्ञा दें तो हम लोग कौरवों के विरुद्ध होने वाले युद्ध की योजना पर परामर्श आरंभ करें। युद्ध? अभी से युद्ध के प्रश्न पर विचार करना तो उचित नहीं लगता। ये आप क्या कह रहे मधुसूदन? अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं दृष्टद्युम्न। हाँ, कुछ कहने जा अवश्य रहा हूं। मैं भी कौरवों और पांडवों का इतिहास जानता हूं। जानता हूं कि गंधार नरेश शकुनी ने द्यूत में कैसा और कितना कपट किया, और यह भी जानता हूं कि उस कपट के कारण धर्मराज युधिष्ठिर क्या क्या हारे। वनवास की कथा भी जानता हूं और अज्ञातवास का इतिहास भी। वे पांडव जो यदि चाहें तो पृथ्वी और स्वर्ग दोनों ही को जीत लें, केवल अपने पण की मर्यादा को संभाले चुपचाप वन वन भटकते रहे, और 13वां वर्ष तो उन्होंने स्वयं मत्स्य नरेश के राजभवन में दासों जैसा व्यतीत किया। मैं यह सब कुछ जानता हूं दृष्टद्युम्न। और आप फिर भी युद्ध को उचित नहीं समझते वासुदेव? युद्ध तो अंतिम चयन होता है राजकुमार, अंतिम विकल्प होता है। और अभी महाराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर नरेश से यह भी नहीं कहा कि उन्होंने पण पूरा कर दिया है, और इसलिए उन्हें इंद्रप्रस्थ मिल जाना चाहिए। क्या आप ये समझते हैं कि धृतराष्ट्र इनके स्वर्गीय पिता के सिंहासन पर बैठे इनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब धर्मराज युधिष्ठिर अपना राज मांगे और वे इन्हें लौटा दें? मैं महाराज धृतराष्ट्र का अभिभाषक नहीं हूं नरेश। मैं तो केवल यह प्रस्ताव कर रहा हूं कि पहले महाराज युधिष्ठिर का कोई दूत वहां जाए। मैं अनुज कृष्ण से सहमत हूं। युद्ध का क्या प्रश्न है? जो कुछ भी हुआ है महाराज युधिष्ठिर के द्यूत व्यसन के कारण हुआ है। तो हम गंधार नरेश शकुनी, अंगराज कर्ण और दुर्योधन को कैसे उत्तरदायी ठहरा सकते हैं? इसलिए यही उचित है कि कोई ऐसा व्यक्ति दूत बनकर हस्तिनापुर जाए जो महाराज को युधिष्ठिर का दृष्टिकोण समझा सके, वो भी आक्रामक स्वरों में नहीं वरन नम्रता के साथ। ये रक्त संबंधियों की बात है, व्यर्थ जल बहाना भी जल का अपमान है, और आप लोग तो रक्त बहाने की बात कर रहे हैं। इसलिए जो जाए वो शांति दूत बनकर जाए, क्योंकि शांति द्वारा पाई हुई विजय ही शुभ विजय होती है और शुद्ध भी। मैं तो आपको कायर भी नहीं कह सकता हलधर बलराम, किंतु आप बातें उन्हीं जैसी कर रहे हैं। ये आलोचना नहीं है, मुझे तो इस पर आश्चर्य है कि यहाँ एकत्र वीर महावीर आपकी ये बातें चुपचाप सुन कैसे रहे हैं, सहन कैसे कर रहे हैं। मुझे कृपया ये भी बताइए कि महाराज युधिष्ठिर अपना हाथ पसारे वहां क्यों जाए? वो भिक्षा नहीं मांग रहे, अपना अधिकार मांग रहे हैं। कृपया अधिकार को भिक्षा मत बनाइए। मैं शब्दों का दुरुपयोग करना नहीं चाहता। मैं दुर्योधन के साथ नम्र बनकर नम्रता का अपमान नहीं कर सकता। मैं उसे शब्दों द्वारा नहीं अपने बाणों द्वारा टोकूंगा। यदि उन्होंने धर्मात्मा युधिष्ठिर के चरण स्पर्श करके क्षमा नहीं मांगी तो मैं दुर्योधन को उसके मित्रों और शुभचिंतकों समेत यमलोक भेज दूंगा। हे बलराम, ये मेरा अभिमान नहीं बोल रहा है, परंतु आप ही बताइए कि गांडीवधारी अर्जुन का सामना उधर से कौन कर सकता है? चक्रधारी कृष्ण के चक्र का उत्तर किसके पास है? सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम को रणभूमि में देखकर किसका पित्ता पानी नहीं हो जाएगा? धृष्टद्युम्न और महारानी द्रौपदी के 5 महारथी पुत्रों के सामने कौन टिक सकता है? अभिमन्यु के प्रताप से कौन बच सकता है? उससे कौन आंखें मिला सकता है? और आप ये चाहते हैं कि ऐसे महारथियों का दूत भिखारी बनकर हस्तिनापुर जाए? मैं तो कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि महारथियों की किसी भी सभा में इस प्रकार की बातें भी हो सकती हैं। और हे हलधर, क्या आप ऐसा ही सोचते हैं कि दुर्योधन महाराज धृतराष्ट्र को इंद्रप्रस्थ लौटाने देगा? क्यों नहीं लौटाने देगा? महाराज के आदेश पर द्यूत में जीती हुई सारी पांडव संपत्ति क्या उसने एक बार लौटा नहीं दी थी? और फिर वहां गंगा पुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे आदरणीय महापुरुष भी उपस्थित हैं। वे न्याय करेंगे। उन महापुरुषों के न्याय की गाथा तो मेरी पुत्री द्रौपदी से सुनिए।
हे मधुसूदन, आपको ये सब बतलाने की आवश्यकता नहीं कि गंगापुत्र भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य और महात्मा विदुर के होते हुए भी पांडवों पर कैसे कैसे अत्याचार हुए। जब मैं अपनी पुत्री द्रौपदी के अपमान के विषय में सोचता हूं तो मेरे नसों में लहू यूं खोलने लगता है जैसे मेरे अंदर का ज्वालामुखी फटने वाला हो। पांडवों ने किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, उन्होंने धर्म के मार का आदर किया और दुख भोगा, परंतु अब पांडवों और हस्तिनापुर की भ्रष्ट राजनीति के बीच केवल एक रणभूमि ही रह गई है, बस एक रणभूमि, ना कोई मर्यादा है ना कोई पण। तो हे चक्रधारी, बतलाइए कि आक्रमण में विलंब का कारण क्या है। विलंब का कारण केवल एक है महाराज द्रुपद, अपने निहित स्वार्थ के लिए आक्रमण करना मानवता के मूल्यों के विपरीत है। क्या अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध मानव मूल्यों के विरुद्ध है देवकी नंदन? क्या कपटी ज्वारियों के कपट को दंड देना निहित स्वार्थ है? क्या एक सती को वेश्या कहने वाले को इस सभ्यता का दंड देना हर कुलीन व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है? है अवश्य, किंतु वो सैनिक जो उधर से युद्ध करेंगे उन्होंने तो द्रौपदी का अपमान नहीं ना किया राजकुमार दृष्टद्युम्न। यहां किसी साधारण युद्ध की चर्चा नहीं हो रही है, इस युद्ध में तो इतने शव गिरेंगे कि उन्हें गिनना असंभव हो जाएगा। गिद्धों को महाभोज के लिए आमंत्रित करने से पहले हमें यह भी सोचना आवश्यक है, ये अनगिनत शव अपने कंधों पर उठाने के लिए आप तैयार हैं महाराज द्रुपद? मैं तो तैयार नहीं हूं, इसलिए पहले संधि की भाषा बोलनी चाहिए। पांडवों को पहले उनसे अपने अधिकारों की मांग करनी चाहिए, युद्ध की भाषा तो उन्हें बोलने दीजिए। क्या संधि प्रस्ताव को वो हमारी दुर्बलता नहीं समझेंगे मधुसूदन? वहां सभी लोग दुर्योधन की भांति नासमझ नहीं है विराट नरेश। क्षत्रिय समाज भी दुर्योधन पर अपने वचन का पालन करने के लिए दबाव डाल सकता है, और ऐसे लोगों को एक अवसर तो देना ही चाहिए, एक अवसर। हे महाराज द्रुपद, आप यहां आयु में सबसे बड़े हैं, इसलिए आप ही बताइए कि हमें वहां क्या संदेश भेजना चाहिए। शांति सदैव युद्ध से अच्छी होती है। फिर मेरी प्रतिज्ञा क्या क्या होगा मधुसूदन? पंचाली के खुले हुए केशों का क्या होगा? अब हम संधि करके इंद्रप्रस्थ लौट जाएं और द्रौपदी से यह कहें कि जीवन भर अपने केश खुले रखो। क्या तुम्हारी प्रतिज्ञा मानव कल्याण से अधिक मूल्यवान है कुंती पुत्र भीम? यदि आपकी प्रतिज्ञा के दामों शांति मिले तो समझिए शांति बहुत सस्ती मिली। फिर सर्वसम्मति से हम यह निर्णय ले रहे हैं कि पहले हमें महाराज धृतराष्ट्र के पास अपना एक दूत भेजना चाहिए।